भारत का एक राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान बहुत उपजाऊ है। इसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। समुद्र के तटीय भाग में मछुआरों की बस्तियां हैं। सभी मछली के विभिन्न कामों में व्यस्त रहते हैं। इनमें पढ़े लिखे लोग कम हैं, इसलिए यहां पर बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। ये वैकल्पिक शिक्षा की एक अनोखी योजना है जो बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए एक खास प्रयास है। ये प्रयास सर्व शिक्षा अभियान काकीनाडा आंध्र प्रदेश में चल रहा है। योजना से जुड़े सवाल दर्शकों के दिमाग में उठ सकते हैं कि ये नन्हे मुन्ने कौन हैं, क्या करते हैं। ये स्कूल का एक बोट है जिसे सर्व शिक्षा अभियान ने दिया है। यहाँ 248 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनका किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है। इनके माता पिता भी शिक्षा से वंचित हैं। बच्चों की उम्र 5 से 15 साल की है। यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि इन्हें सरकारी स्कूल में और ब्रिज कोर्स में दाखिला मिल सके। पहले ये लोग पुरानी नावों के द्वारा झीलों, नदियों और समुद्र के तटीय भागों से मछली पकड़ते थे। नावों पर ही बच्चों की पढ़ाई होने लगी, जो बच्चों की भविष्य शिक्षा के लिए बेहतर उपाय है। स्कूल कभी नाव पर चलता तो कभी बाहर झोपड़ी में। नाव ही इनका घर, रसोई और व्यवसाय का जरिया है। परिवेश पर आधारित पाठ्य सामग्री बनाई गई। पुस्तकों में मछुआरों के किस्से कहानियां शामिल किए गए। बच्चों के समय स्थान के अनुसार पठन पाठन शुरू होने लगा। समाज के पढ़े लिखे लड़कों ने पढ़ाई का काम संभाला।
शेल, घरों की सजावट, खाद, कीटनाशक दवाइयां और मकानों की सफेदी में प्रयोग होता है। और नारियल के पत्तों से बनी चटाइयां स्कूल की चार दीवारी व छत का काम करती हैं। प्राथमिक शिक्षा के बाद बच्चों को सामान्य स्कूल में भर्ती करा दिया जाता है और इस प्रकार उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता है।